एक जो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा हमारे पास दानिश्वर भी करते हैं और अमेरिका ने भी इल्ज़ाम लगाया कि जो सीपेक का कर्ज़ा है वो पाकिस्तान पे एक बोझ बन गया है, और आपने भी तस्करा भी किया था शुरू में उसका ना, और अगर पाकिस्तान IMF के पास जाते तो अमेरिका ने वो बयान सबके सामने कि जी हम क्यों मतलब है चाइनीज़ कर्ज़ा उतारने के लिए पाकिस्तान की मदद करें, क्या वाकई ऐसा है? मैं खुद पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन सीपेक का चेयरमैन रहा हूँ और हमने बड़ा रोल अदा किया, हमारी कमेटी ने एक पुल का किरदार अदा किया सूबों और वफाकी हुकूमत के दरमियान और मुख्तलिफ सियासी जमातों में जो इत्तफाक राय आप देख रहे हैं। पहली बात है ये बिल्कुल बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। कल चाइनीज वजीर खारजा ने बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वजाहत भी की उन्होंने, 47% कर्जे आपके तो IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक के हैं। सीपेक में अभी कोई $20 अरब के करीब लग चुका है, 22 प्रोजेक्ट हैं अर्ली हार्वेस्ट, उसमें से 13 जो है कंस्ट्रक्शन है, 9 मुकम्मल हो चुके हैं, 70,000 लोगों को नौकरी मिल चुकी है और 2% आपकी ग्रोथ उसकी वजह से बढ़ी है। 5.8% ग्रोथ आपका हुआ था 2016-17 में, जो हाईएस्ट है 10 सालों में, वो सीपेक की वजह से हुआ। गवादर पोर्ट जिंदा हो गया, 10 लाख टन कार्गो लिफ्ट किया लास्ट ईयर। थर कोल का आपने सुना था बचपन से कि कोला बड़ा है, कोयला अब बिजली में तकसीम हो चाइना की वजह से, बिजली का बुरान आपने हल कर दिया, फिर आपने देखा कि ये वेस्टर्न रूट बन रहा है, तो अब तो बेस्ट ऑफ सीपेक इज येट टू कम, ये टोटल प्रोपेगेंडा रहा है।